नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने इंसानी जिंदगियों को कैसे तबाह कर दिया, यह आपने देखा। करीब 40,000 लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग शामिल हैं। वहीं दुनिया के कई देशों ने ऐसे समय में तुर्की की मदद भी की। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद की। कुल मिलाकर तुर्की और सीरिया में एक झटके में इंसानी जिंदगियों के साथ साथ उनके आशियाने भी तिनके की तरह बिखर गए। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अब भारत में भी तुर्की और सीरिया जैसा भूकंप आ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भारत भी तुर्की जैसे भूकंप को झेल सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के टॉप साइंटिस्ट का कहना है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाकई दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, ऐसे में भयावह तस्वीरों का हमारे जहन में घूमना स्वाभाविक है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भूकंप के झटके भारत के किस क्षेत्र में महसूस किए जा सकते हैं और वैज्ञानिक किस आधार पर इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। दरअसल NGRI में सिस्मोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णचंद्र राव ने आगाह करते हुए बताया कि भूकंप के समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे काफी दबाव बन रहा है और इसके रिलीज के लिए बड़े भूकंप का आना तय है। उन्होंने कहा कि भूकंप से होने वाली बर्बादी भी कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे तक अलग अलग है। उन्होंने बताया, हमने उत्तराखंड पर फोकस करने के लिए हिमालय क्षेत्र में करीब 80 सेस्मिक स्टेशन बनाए। हम रियल टाइम स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। हमारे डेटा से मालूम होता है कि ये दबाव काफी लंबे समय से बन रहा है। उन्होंने आगे कहा, इस क्षेत्र में कई GPS नेटवर्क है। GPS पॉइंट सतह के नीचे हो रहे बदलावों का संकेत दे रहे हैं। राव ने कहा कि धरती की सतह के नीचे क्या हो रहा है, ये जांचने के लिए वेरियोमेट्रिक GPS डेटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। हालांकि राव ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भूकंप का सटीक समय और तारीख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में किसी भी वक्त बड़ा भूकंप आ सकता है। वैसे देखा जाए तो टॉप साइंटिस्ट का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन फटने की घटना हुई थी। जोशीमठ बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थलों का गेटवे भी है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस तरह से NGRI के टॉप वैज्ञानिक ने भूकंप को लेकर चेतावनी दी है, ये वाकई चिंता की बात है। अब देखना होगा कि भविष्य में इस तरह प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जाती है।